हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। समाज का अमन सहोबाला करने की साजिश, कबल में फौजी यूनिट के स्पोर्ट्स एरिया में खुदकुश हमला, अफसर समेत 11 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, 13 जख्मी। बुजदिलाना हमलों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म कमजोर नहीं होगा, वजीर आजम का रद्द अमल, सियासी रहनुमाओं की भी फौजी यूनिट पर खुदकुश हमले की मजम्मत। खाने मुस्तकबिल के ख्वाब चकनाचूर, लीबिया में कश्ती उलटने से 16 पाकिस्तानियों के जान बहक होने की तस्दीक, 8 की शनाख्त, ताल्लुक गुजरात मंडी बहाउद्दीन और सरगोधा से है, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मकतूल इंतजार के वालिद पुलिस से मायूस, एहलकारों ने मुकदमा अपनी मर्जी से दर्ज किया, तफ्तीश मेरिट पर नहीं की, नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए, चीफ जस्टिस को खत। लेके कहाँ से आते हो? अब चौकी से। बीच में पुलिस नहीं रोकती? नहीं सर। कैसे लेकर आते हो? बाइक पे अपना। जेबों में रख के आते हो या छुपाते हो? छुपाता हूँ गाड़ी के अंदर। कराची वालों की रगों में आइस क्रिस्टल और हेरोइन का जहर उतारने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार, धंधे की रकम ताखीर से देने पर साथी के कत्ल का भी एतराज। इंसान ना खाए ना तो उसको एक अजीब सी वो कैफियत महसूस होती है कि भाई बोझल हो रहा है और इसकी तलब होती है। मिल जाता है, वैसे लेट मिलता है। शहर कायद में पाबंदी के बावजूद गुटके की चुपके चुपके फरोख, गली मोहल्लों की दुकानों से जहर खरीदने वालों की तादाद कम ना हो सकी, 80% कैंसर, मावा और छालिया का नतीजा। गुटका छालिया पान के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, अगर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो 2020 में ये 30 मिलियन की जगह 50 मिलियन केसेस होंगे और कोई 35 से 40 मिलियन लोग इसमें मौत का शिकार हो जाएंगे। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। कप्तान के होम ग्राउंड पर धुआंधार बैटिंग का प्लान, नून लीग का पिशावर में आज पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 120 फुट चौड़ा स्टेज बन गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। सेनेट इंतखाबात से पहले कप्तान को झटका, पीटीआई के एमपीए बाबर सलीम का नून लीग में शामिल होने का ऐलान, आज जलसे में बाजाब्ता ऐलान करेंगे। सर ये फरमाइए, नैब ने तहकीकात का आगाज किया, आप पेश होंगे? मैं बड़ा खतरनाक हूँ। खान साहब केपी के गए हेलीकॉप्टर के हवाले से आप पे कहा ये जा रहा है कि आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। नैब ने पेशी के सवाल पर इमरान खान का जलाल, कप्तान ने खुद को खतरनाक और बुरा करार दे दिया। राणा सना पीर हमीदुद्दीन सियालवी की कमेटी के सामने पेश, वजीर कानून पंजाब के बयान पर इजहार इत्मीनान, मुश्तरका फैसले के लिए गैर हाजिर अरकान से मुशावरत का फैसला। भूल जाओ कोई साजिश हो रही है, पार्लियामेंट सुप्रीम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हर जज खुद मुख्तार, किसी पर दबाव नहीं है, चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस्लामाबाद में खिताब।
राव अनवर की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में कबायली अवाम का धरना चौथे रोज में दाखिल। नकीब महसूद कत्ल केस में इंसाफ मिलने तक एहतजाज का ऐलान। गुजर खान में जहनी मरीज लड़की से ज्यादती पर बेइंसाफी। बासर अफराद ने दबाव डालकर अहले खाना को सुलह पर मजबूर कर दिया। बाप 2 साल थाने कचहरियों के चक्कर लगाकर हिम्मत हार गया। शो से इनकार पर मर्दान में स्टेज अदाकारा सुम्बुल का कत्ल। मुकदमा दर्ज। साबिक इंस्पेक्टर नईम खटक और मकतूल गुलकारा गजाला के शौहर जहांगीर समेत 3 मुल्जमान फरार। बगैर किसी टेस्ट के बगैर मुझे नहीं पता, ये तो बाद में मुझे पता चला कि टेस्ट होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। उन्होंने मुझे लिटाया और उन्होंने मेरी ट्रांसप्लांट की कोशिश की और दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बाल लगवाने का शौक महंगा पड़ गया। अदाकार साजिद हसन जाली हेयर ट्रांसप्लांट करने वालों के हत्थे चढ़ गए। जिल्द के शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला। राजा गिद्ध जैसे शाहकार नॉवल की खालिक बानो खुदसिया को बिछड़े 1 साल हो गया। लफ्जों का असर और किरदार निगारी का सहर आज भी बरकरार। खवातीन के शाहकार खवातीन ही खरीदार। कराची में विमेन फेस्टिवल सज गया। ज्वेलरी मलबूसात और दीगर अशिया के 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर रश। फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी की लाहौर में रुनुमाई। रंगारंग तकरीब में क्रिकेटर्स और शोबिज स्टार्स की भी शिरकत। और रंगों का कमाल, तोतों के बादशाह की खूबसूरती के क्या कहने। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ इंतहाई सयाना। की तहसील कबल में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। खुदकुश हमले में एक अफसर समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जकारी और इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं ने इस हमले की शदीद मुजम्मत की है। आपको बताएं कि सबाज काम तहबाला करने की साजिश। कबल में फौजी यूनिट के स्पोर्ट्स एरिया में खुदकुश हमला किया गया। अफसर समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। बुजदिलाना हमलों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म कमजोर नहीं होगा। वजीर आजम का रद्द अमल सामने आया है। सियासी रहनुमाओं की भी फौजी यूनिट पर खुदकुश हमले की मुजम्मत सामने आई। दहशत गर्दों का फिर छुप कर वार। सवाद का अन तार तार कर दिया। ISBR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने तहसील कबल में फौजी यूनिट के स्पोर्ट्स एरिया को निशाना बनाया। खुदकुश धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। हमले की जद में कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ISBR के मुताबिक खुदकुश हमले में एक अफसर भी शहीद हो गए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, असफंद यार वली और सिराजुल हक समेत सियासी रहनुमाओं ने शहदा को खिराज अकीदत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सियासी क्यादत ने कहा है कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और अफगान सदर की धमकी के अगले ही रोज हमला किया गया। अशरफ गनी ने 100 साल बाद भी बदला लेने का बयान दिया था। अफगानिस्तान ने काबुल मिलिट्री एकेडमी हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया था। जी हां, स्वात हमले ने अफगान सदर के बयान पर सवाल उठा दिए हैं। अफगान सदर की धमकी, उसके अगले ही रोज ये हमला हुआ है। स्वात में अशरफ गनी ने कहा था कि 100 साल बाद भी अगर बदला लेना पड़ा तो लेंगे। अफगानिस्तान ने काबुल मिलिट्री एकेडमी हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अहम उमूर पर इत्तेफाक राय के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आइंदा इजलास अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होगा।
काबुल में सिविल और अस्करी हुकाम पर मुश्तमिल पाक अफगान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ की क्यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ जबकि अफगान वफ की सरबराही नायब वजीर खारजा हुक्म खलील करजई ने की। इजलास के बाद जारी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने पेशकश की कि अफगानिस्तान धमाकों की मुश्तरका तहकीकात कराए। पाकिस्तान का कहना था कि पड़ोसी मुल्क को इल्जाम तराशी से बाज रहना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी तशद्दुद अमन और महाजरीन की वापसी पर गुफ्तगु हुई और अहम उमूर पर इत्तफाक राय के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आइंदा इजलास 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। और अब ये खबर कि क्वेटा में 10 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये पाबंदी आयद की गई है। सरकारी एलामिया ये कहता है क्वेटा जहां पर 10 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सरकारी एलामिया के मुताबिक अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये पाबंदी आयद की गई है। इंतजार कत्ल केस की बात करते हैं। इंतजार कत्ल केस में मकतूल के वालिद का चीफ जस्टिस को खत, ऐसे में पुलिस की तफ्तीश मेरिट पर नहीं, अहलकारों को बचाया जा रहा है। खत का ये मतन सामने आया है। वाकये का मुकदमा भी पुलिस ने अपनी मर्जी से दर्ज किया। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा कराची बाबर सलीम। बाबर बताइएगा क्या वजूहत सामने आई, क्यों खत लिखा है चीफ जस्टिस? जी इंतजार के वालिद का कहना है कि पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जा रही है उस पर वो एतमाद नहीं करते। इस खत के मतन के मुताबिक उनका कहना है पुलिस ने अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी मर्जी से तफ्तीश की और वो तमाम लोग जिनकी वो निशानदेही करते रहे पुलिस ने उनसे तफ्तीश नहीं की है। इसके बाद ये अपने खत में चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस इस वाकई का खुद नोटिस लें और इंतजार को जो है कत्ल के बाद मुकम्मल तौर पर इंसाफ फराहम करवाएं। जी ठीक है, शुक्रिया बाबर सलीम। खबर लाहौर से जहां 12 साल का लड़का लिफ्ट में फंस जाने से जान बहक हो गया। ये वाकया शादी हॉल के लिफ्ट में फनी खराबी के बायस पेश आया। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शादी हॉल इंतजामिया मौके से फरार हो गई है। ये वाकया शादी हॉल के लिफ्ट में खराब लिफ्ट के बायस पेश आया जहाँ 12 साल का लड़का लिफ्ट में फंस गया और फंस कर जान बहक हो गया। इंतजामिया जो है वो मौके से फरार हो गई है। पुलिस की जानिब से बताया गया है ये वाकया शादी हॉल की लिफ्ट में फनी खराबी के बायस पेश आया। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे असरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असरार बताइएगा पुलिस मजीद क्या बता रही है इस वाकये से मुताल्लिक और इंतजामिया जब फरार हो गई तो क्या कुछ किया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए? जी ये अफसोसनाक वाकया टाउनशिप के इलाका में पेश आया जहां कॉलेज रोड पर वाके एक शादी हॉल की लिफ्ट में फनी खराबी के बायस 12 साल का लड़का जिसका नाम हुजैफा बताया जा रहा है वो लिफ्ट में फंस गया था। मौके पर मौजूद अफराद ने और इंतजामिया ने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बाद अजा रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई जिन्होंने लिफ्ट को काट कर लड़के हुजैफा को मुर्दा हालत में निकाल दिया। पुलिस का कहना है कि लाश तहवील में लेकर तहकीकात की जा रही है। शादी हॉल की इंतजामिया जो है मौके से फरार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, शुक्रिया आपका।